ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो हम श्री रामकृष्ण देव के गृही शिष्य कालीपद घोष का जीवन चरित्र अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ हम देख चुके हैं कि अनंत भावों में श्री रामकृष्ण और उनके जो लीला पार्षद हैं, एक तरह से जो उनकी इस नर रूप धारण करने के आधार से यह जो पृथ्वी पर भावलीला चल रही है, इस भावलीला में एक भूमिका निभाने वाले कालीपद घोष एक तरफ बहुत प्रकार के दुर्गुण जैसे उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात कर लिए थे, लेकिन उन्हीं दुर्गुणों के आधार से मन में अतीव पश्चाताप, अतीव दुख, इससे उभरने का वे यह जो दुर्गुण जो हैं वह निमित्त बन गए हैं, ऐसा महसूस होता है। यानी कभी कभी दुर्गुण भी मनुष्य को ईश्वर की ओर ईश्वराभिमुख करने का निमित्त बन जाते हैं। कालीपद घोष की कहानी कुछ इसी प्रकार की कहानी है। कालीपद घोष प्रथम बार श्री रामकृष्ण देव का दर्शन होने के पश्चात हम देख चुके हैं कि उनके जीवन में धीरे धीरे आमूलाग्र परिवर्तन होता गया। श्री श्री ठाकुर के प्रति एक बहुत प्रगाढ़ ऐसा, एक अपूर्व ऐसा आकर्षण वे महसूस करने लगे थे और सन 1884 नवंबर की घटना है। श्री रामकृष्ण कलकत्ते से बोट करके नौका से दक्षिणेश्वर जा रहे थे और उनको वास्तव में कालीपद घोष ही कलकत्ते से दक्षिणेश्वर जाने का प्लान बना चुके थे और ठाकुर उनको बोलते हैं कि मैं भी अभी कलकत्ते में ही जाने का सोच रहा हूँ। अर्थात कालीपद घोष कलकत्ते से नौका करके दक्षिणेश्वर आए हैं और उनको देखकर ठाकुर उल्टा बोलते हैं कि मैं कलकत्ता जाने की सोच रहा था। तब कालीपद घोष ने कहा कि मेरी जिस नाव से मैं अभी अभी आया हूँ वह अभी घाट पर ही लगा कर रखी है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, मेरी नाव तो रेडी ही है जिस नाव से मैं आया हूँ। और श्री रामकृष्ण लाटू महाराज के साथ में, स्वामी अद्भुतानंद जी के साथ में नाव में बैठ गए। कालीपद घोष ने क्या किया, चुपचाप उस वह जो नावाड़ी था, नौका चलाने वाला खिवैया था, उसको थोड़ा सा कहा कि नाव जरा नदी के बीचों बीच ले चलो। और जब नाव आपने कलकत्ते में बेलूर मठ में जाकर गंगा जी का दर्शन किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन गंगा जी का अथांग पात्र हैं और काफ़ी तेज प्रवाह होता है नदी का, गंगा जी वहाँ अच्छी खासी गहरी भी है। तो कालीपद घोष ठाकुर को नाव में बिठाकर ले जा रहे हैं और उन्होंने जो नाव चलाने वाला है उसको कहा कि जरा नाव को बीचों बीच, नदी के बीचों बीच ले चलो, वहाँ से नाव को चलाते रहना। और जैसे ही नाव गंगा जी के मझधार में बीचों बीच आ गई तो कालीपद घोष उन्होंने श्री श्री ठाकुर के चरण पकड़ लिए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप तारणहार हैं, आप मेरा उद्धार कीजिए। अब श्री रामकृष्ण इस बात के लिए तैयार नहीं थे, प्रस्तुत नहीं थे।
वे कहने लगे कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, जप करो, ध्यान करो, उससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन कालीपद जो है वह ऐसे मानने वाला तो नहीं था। उसने श्री श्री ठाकुर के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज, मैं एक पाजी आदमी हूँ, मैं एक नशेखोर आदमी हूँ, और भगवान का नाम लेने के लिए मेरे पास कोई ठीक समय भी नहीं रहता। आप करुणा सागर हैं, मैं तो आचारहीन नीतिहीन हूँ, मेरे जैसे वैगाबॉन्ड का उद्धार तो आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। और इस प्रकार कालीपद श्री श्री ठाकुर के दोनों पांव बड़े बहुत टाइटली, जिसको हम बोलते हैं, बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने पकड़ कर रखे। तब श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि जरा तुम्हारी जीभ बाहर निकालो, और उस पर ठाकुर ने कोई मंत्र लिख दिया और उनको कहा कि देखो, अब मैं तुम्हारे जिह्वा पर मैंने मंत्र लिख दिया है, अब तुम्हारे द्वारा अपने आप जप होता रहेगा। तुम अब तुम्हें तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन कालीपद घोष, उनका समाधान इस बात से नहीं हुआ। वे ठाकुर को कहने लगे कि आपने ये मेरे जिह्वा पर मंत्र लिखा वगैरह जो कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठाकुर ने पूछा, फिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? तब कालीपद ने कहा कि ठाकुर, मैं देख रहा हूँ जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे सामने घना अंधेरा होगा, मुझे बड़ा डर लगेगा, भय के कारण मैं एकदम से जैसे बर्फ़ का गोला बन जाऊँगा। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के अन्य सदस्य, रिश्तेदार, उस वक्त कोई मुझे सहायता करने के लिए नहीं आएगा, वो कर भी नहीं सकेगा। इस भयान परिस्थिति में उस वक्त मैं बड़ा ही बेचैन हो जाऊंगा, भय मुझे घिरा रहेगा। तो अगर आप मेरी संपूर्ण जिम्मेदारी उठाते हैं, अगर आप मुझे सहायता नहीं करेंगे और उस कठिन परिस्थिति में मेरा उद्धार नहीं करेंगे, तो मैं किसकी ओर आशा की दृष्टि लगाऊं? मैं चाहता हूं कि आप मेरा हाथ पकड़ कर रहें, आपके बाएं हाथ में प्रकाश की ज्योति रहेगी और नित्य आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जब मेरी मृत्यु होगी उस वक्त आप मुझे हाथ पकड़ कर ले चलेंगे। मेरी यह प्रार्थना आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। और फाइनली हम देखते हैं करुणा हृदय श्री रामकृष्ण, उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक ऐसा ही होगा। और फिर ठाकुर कहने लगे, बाप रे, तुम तो बड़े चालाक हो जी, नाव को बीच मझधार में लाकर यह सब नाटक किया, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तैर नहीं सकता, अगर कुछ हो जाता तो तुम जानते थे, बड़े चालाक हो जी। और फिर प्रसन्न होकर ठाकुर कहने लगे, भक्त की यह जो भावना है, भगवान पे निर्भरशीलता, भगवान के पास क्या मांगना चाहिए, भगवान के पास ये जो कालीपद घोष बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय मेरे आँखों के सामने अंधेरा रहेगा और मृत्यु के समय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, परिवार के अन्य सदस्य, कोई भी मुझे सहायता नहीं कर सकता, ऐसे कठिन समय, मृत्यु के समय सिर्फ एक आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं, और आपको मेरे मृत्यु के उस अंतिम क्षण में मेरा उद्धार करने, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। कालीपद ये जो बोलता है कि आपके बाएं हाथ में प्रकाश ज्योति रहेगी, अर्थात प्रकाश ज्योति का अर्थ हो जाता है श्री रामकृष्ण देव की कृपा और ज्ञान दृष्टि। ये दोनों बातें ही यहाँ इस घटना के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं कि भगवान के चरणों में अटूट विश्वास, भगवान की क्षमता पर अटूट विश्वास,
और भगवान मेरी मनोकामना पूरी करेंगे। और ये कामना भी कैसी है, मृत्यु के समय प्रभु आप मेरा हाथ पकड़कर प्रकाश दिखाकर मुझे ले जाइए, अर्थात मृत्यु के पूर्व जैसे आप मेरे ज्ञान नेत्र खोल दीजिए। यह देह परिवर्तनशील है, यह जगत प्रपंच यह सब एफिमेरल है, परिवर्तनशील है, सतत बदलता जाने वाला है, यह परम सत्य नहीं हो सकता, यह त्रिकाला बाधित सत्य नहीं है। यह बात अर्थात भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, इसका एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण यहाँ हमें प्राप्त होता है कालीपद घोष के इस घटना के माध्यम से। अब कलकत्ता पहुँच गई नाव, जिस नाव से यह सब नाटक हुआ था, जिस नाव में बैठकर ठाकुर और कालीपद जा रहे थे, नाव कलकत्ता पहुंच गई। कलकत्ता घाट पर नाव लगने के बाद कालीपद ने ठाकुर से पूछा कि आपको कलकत्ता किन से मिलना है, कहाँ जाना है? तो ठाकुर ने तुरंत जवाब दिया, मुझे तो तुम्हारे ही घर जाना है। अब जरा सोचिए, साक्षात भगवान, साक्षात इष्ट, जिसकी इष्ट देवता ही हो एक प्रकार से, प्रभु अगर कहें कि मैं तुम्हारे घर जाना आना चाह रहा हूँ, तो कितना आनंद हुआ होगा। क्या वह आनंद की अवस्था होगी कालीपद की, जरा आप सोच कर देखिए कि अगर श्री रामकृष्ण प्रकट हो जाते हैं और आपको कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ, तो क्या आपको आनंद नहीं होगा? निश्चित मुझे लगता है कि आप आनंद से विभोर ही हो जाएंगे। कालीपद उन्होंने तुरंत एक घोड़ा गाड़ी बुलवा ली और ठाकुर को लेकर वह घर चले गए। कालीपद घोष के घर जाने के बाद वहाँ दीवार पर विविध देव देवियों के तैल चित्र ऑयल पेंटिंग टंगे हुए थे, वह सब देखकर ठाकुर को बहुत आनंद भी हुआ और ठाकुर ने भावावस्था में वहाँ कालीपद घोष के घर में अलग अलग भजनों का गायन किया। और भजनों का गायन करने का परिणाम क्या होता है, अर्थात संपूर्ण घर जो है भक्ति भावना के शुभ स्पंदन से जगमगा उठा। देखिए दोनों बातें हैं, भजन जो है वह भगवान का होता है, भजन गाते हुए भक्त के हृदय में भगवान के अस्तित्व बोध का भाव जाग उठता है। और यहाँ तो कालीपद घोष के घर में साक्षात नररूपधारी श्री रामकृष्ण स्वयं भजन गा रहे हैं, तो उस घर में भक्ति की कैसी एक अपूर्व भाव सृष्टि बनी होगी, यह हम शायद हमारी अल्प बुद्धि में यह बात हम धारणा भी नहीं कर पाते ठीक से। अच्छा, ये घटना हो जाने के बाद और कुछ दिन चले गए और ठाकुर के दर्शन के बाद कालीपद घोष दक्षिणेश्वर में नियमित आने जाने लगे और उनके एकदम से घनिष्ठ भक्त भी बन गए। कालीपद घोष स्वयं एक बहुत अच्छे गायक थे और वे सुंदर वायलिन बजाया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। कालीपद घोष एक दिन बांसुरी बजा रहे थे और उनका बांसुरी, वो जो बांसुरी वादन हुआ वह सुनकर श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। वैसे कालीपद घोष पाक कला में भी निष्णात थे, बहुत सुंदर खाना बनाते थे और इसीलिए ठाकुर की भक्त मंडली मजाक करके कभी कभी उनको गृहिणी करके पुकारा करते थे, उनको गृहिणी बोलते थे, क्योंकि बहुत टेस्टी मज़ेदार खाना वे बनाते थे। तो दक्षिणेश्वर में रहते हुए ऐसे कालीपद घोष के जीवन में ठाकुर की कृपा से अपूर्व भाव परिवर्तन हो गया, उनके दुर्गुण छूटते गए, नशेखोरी छूटती गई।
देखते देखते ठाकुर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और ठाकुर को दक्षिणेश्वर से कलकत्ते में लाने का प्रोग्राम, यानी डॉक्टर की हिदायत से, डॉक्टर के कहने के अनुसार ठाकुर को दक्षिणेश्वर में श्यामपुकुर में लाया गया। तो श्यामपुकुर में जब ठाकुर को लाया गया, तब कालीपद घोष का मकान जो है वह श्यामपुकुर में, ठाकुर जहाँ रुके हुए थे बिल्कुल उसके पास में ही है। ये जो श्यामपुकुर में ठाकुर को लाया गया वह जो मकान है, तो उस मकान की सजावट करना, उसको बहुत सुंदर ढंग से सजाना, वहाँ देवी देवताओं के चित्र लगाना, अर्थात अब श्यामपुकुर वाटी में ठाकुर रहेंगे, श्यामपुकुर में ठाकुर रहेंगे तो खाना बनाना है तो ग्रोसरी खाने के लिए सभी ग्रेनरी लगेगी, सभी यूटेंसिल्स लगेंगे, बर्तन लगेंगे। तो कालीपद घोष ने सभी व्यवस्था बड़े सुंदर ढंग से अरेंज करके दे दी। और कालीपद घोष, उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम कृष्ण प्रियंगिनी था, जिसका वर्णन हम पहले प्रवचन में सुन चुके हैं, कि जिन्होंने 12 वर्ष तक माँ शारदा द्वारा दिया गया बिल्व पत्र का पूजन किया था, तो ठाकुर ने काली पूजा के दिन एक इच्छा व्यक्त करने के बाद कालीपद घोष ने पूजा हो जाने के बाद कृष्ण प्रियंगिनी ने, यानी कालीपद घोष की धर्मपत्नी, उन्होंने देवी के लिए खीर बनवाई थी, तो ठाकुर ने वह प्रसादी खीर मंगवाकर उसको ग्रहण की और खूब प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि कालीपद कितना दान करता है। और वाकई सत्य बात यह है कि कालीपद घोष बहुत दान धर्म किया करते थे, और इसीलिए स्वामी विवेकानंद उन्हें दाना काली, अर्थात दान शूर काली, ऐसे कहकर पुकारा करते थे। श्यामपुकुर में जब श्री रामकृष्ण निवास कर रहे थे, 24 अक्टूबर 1885 की घटना है, उस दिन श्री रामकृष्ण देव ने भक्तों को जप का एक अनन्य साधारण रहस्य वहाँ बताया है। निमित्त तो कालीपद घोष हैं, अब वहाँ श्यामपुकुर में श्री श्री ठाकुर बता रहे हैं, कालीपद घोष और बाकी भक्त भी हैं, कि ठाकुर कह रहे हैं जब भी जो करना है, भगवान का नाम जो हम जप करते हैं, तो एकांत में जहाँ तक हो सके जप करना चाहिए और मन ही मन भगवान का नाम जपना चाहिए, निःशब्द, अर्थात आवाज़ न करते हुए मन ही मन भगवान का, बड़े ही मन को एकाग्र करते हुए जप करना चाहिए। और अगर हम इस प्रकार नाम जप करते हैं तो भगवान के रूप का भी धीरे धीरे दर्शन प्राप्त हो जाएगा और भगवान का साक्षात्कार भी प्राप्त होगा। यहाँ रहस्य क्या है, अर्थात महत्वपूर्ण बात ठाकुर यहाँ क्या बता रहे हैं? यह बात बताते हुए ठाकुर कहते हैं कि देखो, ये जो संकल होती हैं, संकल जो होती हैं, अब नाव को या डोंगा, यानी छोटी नैया जो होती हैं, तो उस छोटी नैया को एक और छोटी नैया को संकल से बांधते हैं और उसका दूसरा छोर किनारे पर किसी खूंटी को लगाया हुआ रहता है, खूंटी में बंधा हुआ रहता है। परिणाम क्या हो जाता है, वह जो छोटी सी नाव होती है, जिसको एक हमारी मराठी भाषा में हम लोग डोंगा बोलते हैं, छोटी सी होती हैं, लेकिन वह जो नाव होती है जिसका एक छोर, वह नाव तो गंगा जी में रहती हैं और उसका दूसरा छोर
वो खूंटी से बंधा हुआ रहता है, तो उस श्रृंखला को, उस चेन को अगर पकड़ पकड़ कर हम आगे बढ़ते हैं, चेन जो होती है उसमें तो एक कड़ियाँ, कड़ी में कड़ी अटकाई हुई रहती हैं, तो श्रृंखला की एक कड़ी अगर हम पकड़ते हैं और उस कड़ी को पकड़ 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 कर अगर हम जाते हैं, तो क्या हो जाता है, हम जाकर गंगा जी में जो नाव है उसको भी छू सकते हैं, और वहाँ से उल्टा अगर हम वापस आते हैं तो वापस आकर हम तीर पर जो खूंटी लगी है, जिस पर भी श्रृंखला जो होती हैं जो बांध कर रखी है, उसको भी हम छू सकते हैं। अर्थात ठाकुर यह छोटा सा उदाहरण देकर कहते हैं कि श्रृंखला भगवान का नाम, यह उस चेन की कड़ी है, यह चेन की एक कड़ी हमारे हाथ में है और इस चेन का दूसरा छोर जो है वह छोर भगवान के हाथ में बंधा हुआ है। तो इस नाम जप रूपी श्रृंखला का एक कड़ी पकड़ पकड़ कर हम थोड़ा थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं तो अंत में हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से श्री रामकृष्ण देव ने एक सरल भाषा में नाम जप कैसे साधक को भगवान के पास पहुंचा देता है, ले जाता है, इसका रहस्य बताया। कालीपद घोष, उन्होंने ठाकुर से जो जीभ पर ठाकुर ने जो उनको मंत्र लिख कर दिया था, और इसीलिए ठाकुर बोलते थे कि देखिए ये जो, सॉरी, कालीपद घोष बोला करते थे कि ठाकुर ने ये जो मेरे जीभ पर मंत्र लिख दिया है, अब मेरी जिह्वा सतत अपने ही प्रेरणा से जैसे जप करते रहती हैं। हमारे गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमको कड़ी तपस्या में नहीं डाला है। तो 11 दिसंबर 1885 की घटना है कि श्री रामकृष्ण देव को काशीपुर के उद्यान भवन में स्थानांतरित किया गया है। 23 दिसंबर की घटना का वर्णन भी आता है। उस दिन श्री श्री ठाकुर ने कालीपद घोष के छाती को स्पर्श किया और कहा कि तुम्हें चैतन्य प्राप्त हो जाए, तुम्हारे अंतःकरण में चैतन्य जाग उठे। अब देखिए, और फिर ठाकुर कहते हैं, ठाकुर ने कालीपद घोष की जो ठुड्डी है उसको ऐसे अपने हाथों से स्पर्श करते हुए कहा कि देखो, जो इंसान भगवान को अगर आंतरिकता से एक बार भी पुकारता है तो उसको अपनी तरफ इशारा करते हुए ठाकुर कहते हैं, यहाँ आना ही पड़ेगा और यहाँ आकर ही उसका जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए, कालीपद का यह जो निमित्त बनाकर श्री रामकृष्ण देव यह जो आशीर्वाद दे रहे हैं, कालीपद घोष की छाती को स्पर्श करके वह कह रहे हैं तुम्हारा चैतन्य जाग उठे, अर्थात चैतन्य जाग उठे। क्या हम सोए हुए हैं? क्या हम बेहोशी में हैं? तो निश्चित रूप से हम लोग आध्यात्मिक दृष्टया, पारमार्थिक दृष्टया हम लोग सोए हैं। हम लोग सांसारिक विषयों में इस कदर डूबे हुए हैं और उसी बेहोशी में व्यस्त हो गए हैं, और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव की चरणों में अगर हम कालीपद घोष की तरह आत्मसमर्पण करते हैं, उन पर निर्भर हो जाते हैं और उनकी शरणागति, उनके चरणों को पकड़ते हैं, तो ठाकुर भी जैसे कालीपद घोष के छाती को स्पर्श किया वैसे चिन्मय रूप श्री रामकृष्ण हमारे छाती को स्पर्श करते हुए हमारे अंतःकरण में आध्यात्मिक प्रेरणा की ज्ञान ज्योति जगा देंगे और हम चैतन्य को प्राप्त कर लेंगे। अर्थात हम लोगों के अंतःकरण में ये जो संसार को लेकर महत्व बुद्धि है वह दूर होकर
भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ जाएगी। तो कालीपद घोष की यह बड़ी सुंदर दास्तां है। उसके बाद में कालीपद घोष ने व्यवसाय में बहुत यश प्राप्त किया और उसके बाद में कालीपद घोष उन वो अलग अलग यानी उन वो जो जॉन डिकिंसन कंपनी में काम करते थे तो उनकी जगह जगह ब्रांचेस चालू हो गई और उनकी जहाँ जहाँ शाखा कार्यालय बनता जाता था कालीपद घोष वहाँ हर शाखा केंद्र में ठाकुर का फोटो लगा देता था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ठाकुर सशरीर न रहते हुए भी श्री श्री ठाकुर फोटो के आधार से चिन्मय रूप से जहाँ उनका फोटो होता है वहाँ चिन्मय रूप से श्री रामकृष्ण होते ही हैं। यह भाव कालीपद घोष के हृदय में नित्य बना रहता था। कालीपद घोष की बम्बई में ट्रांसफ़र हो गई थी और जब वे बम्बई में थे तो उस वक्त स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी तुरियानंद, स्वामी अभेदानंद, स्वामी अखंडानंद, ये जो श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी अंतरंग शिष्य हैं वे सभी अंतरंग शिष्य का बम्बई में किसी न किसी कारणवश पधारे थे, भ्रमण करते हुए पधारे थे और उन्होंने कालीपद घोष के घर में ही अतिथि रूप में वह ठहरे हुए थे और कालीपद घोष भी ठाकुरों के ये अंतरंग शिष्यों की सेवा करने में बहुत आनंद प्राप्त करते थे। कालीपद घोष जब उनका अंतिम समय आया तो स्वामी अद्भुतानंद कलकत्ते में उनके मकान पर उनको देखने के लिए गए तो कालीपद घोष अद्भुतानंद महाराज के लिए दूध व अन्य आवश्यक जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती थी वह हर महीने उसको ख़रीदारी करने के लिए पैसे दिया करते थे। स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज वह मदद स्वीकार करना नहीं चाह रहे थे तो जब वे कालीपद घोष जब वो बिल्कुल बीमार हो गए हैं, उनकी बहुत बुरी अवस्था हो गई थी, जैसे अंतिम शैया पर वे पड़े हुए थे तो अद्भुतानंद महाराज उनको जब मिलने गए तो कालीपद घोष ने अद्भुतानंद जी महाराज का हाथ पकड़ कर कहा कि बंधो, ठाकुर की कृपा से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा रुपया है, उसको अगर तुम स्वीकार करोगे तो मुझे बड़ा आनंद होगा, अगर वह तुम स्वीकार नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि ठाकुर मुझ पर अप्रसन्न हो रहे हैं। तो कालीपद के यह ये जो प्रार्थना है एक प्रकार से यह जो विनती है अद्भुतानंद जी महाराज को, अद्भुतानंद जी महाराज कालीपद घोष के मन का भाव समझ गए और जब तक कालीपद घोष जीवित थे अद्भुतानंद महाराज उनके द्वारा दी गई यह जो मदद थी वह स्वीकार करते रहे। 28 जून 1905 कालीपद घोष इस पृथ्वी से अंतिम विदा लेकर श्री रामकृष्ण देव के चरणों में हमेशा के लिए चले गए। कालीपद घोष जिनको श्री रामकृष्ण देव ने वचन दिया था कि अंत समय में मैं तुम्हारा राइट हैंड दाहिना हाथ पकड़कर बाएं हाथ में मैं प्रकाश लेकर आऊँगा तो ठीक अद्भुतानंद जी महाराज उन्होंने वर्णन उनके द्वारा यह बात पता चली है कि जब कालीपद घोष का अंत समय आया तब श्री कालीपद घोष अंतिम श्वास ले रहे थे तब उन्होंने अपना राइट हैंड ऐसा हल्के से ऊपर उठाया
दाहिना हाथ ऊपर उठाया। प्रेमानंद जी महाराज भी उस समय वहाँ उपस्थित थे, और इस समय इसलिए अद्भुतानंद महाराज भक्तों को कहा करते थे कि प्रस्थान समय जब आ गया तो वास्तविक ही जैसा वचन दिया था वैसे ठाकुर आकर उन्होंने कालीपद का दाहिना हाथ पकड़ लिया, और बाबूराम भैया ने स्पष्ट रूप से देखा ठाकुर उनको ले जाने के लिए वास्तविक आए हुए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कालीपद घोष जिनका जीवन श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के पश्चात दुर्गुणों से संपूर्ण रूप से मुक्त होकर अद्भुत दिव्य भक्ति भाव से परिपूर्ण हो उठा था, और जैसा ठाकुर ने कहा है कि नाम जप करते रहो, नाम जप करते करते यह नाम जप एक श्रृंखला है जिसकी अंतिम कड़ी भगवान के हाथों में बंधी हुई है, तो नाम के आधार से हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। कालीपद घोष के जीवन में यह बात सुस्पष्ट रूप से जैसे हमको साकार होती नज़र आती हैं। गुरु के आदेश का हूबहू पालन करना यह आध्यात्मिक उन्नति की एक बहुत ज़रूरी बात समझी जाती है, और कालीपद घोष के जीवन में यह सब तत्व जैसे साकार हो गए थे। श्री रामकृष्ण देव की यह अपूर्व लीला कालीपद घोष जैसे भक्त के माध्यम से श्री रामकृष्ण देव भक्ति के आधार से भगवत प्राप्ति यह तत्व हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत।